अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का व्लॉग से देखिएगा और इंशाल्लाह मैं वीडियो डालता रहूँगा। मैं वीडियो बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं डालता, सिर्फ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं फोकस करता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे अपने बालों की नहीं हो, ये देखें कितने बड़े बड़े मेरे हेयर हो गए हैं, ये देखें ऊपर फुल ही ऊपर तक चले गए। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो डालता रहूँगा, उनका सेट करवाना भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि आप सबको पता है 3 अप्रैल को पहला रमज़ान है। 3 अप्रैल कह रहा हूँ, कौन सा मंथ है ये, मार्च है, अप्रैल, जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी। 3 अप्रैल को पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरे रोज़े में रखूँगा। आप सब बताएं कि आप कितने रोज़े रखेंगे और कितने रखते थे पहले, सब बताइएगा कि आपने पिछली दफ़ा कितने रोज़े रखे थे। अल्लाह सबको सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और सबको इस बरकत वाले महीने में, अल्लाह पाक यही तो महीना है जिसमें हम सारे मुसलमान इबादत करते हैं और पहले भी करते हैं, पर ये जो महीना है ये बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला। आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछली दफ़ा पिछले रमज़ान में आई थिंक मैंने 13 रोज़े रखे थे। आप सब भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने पिछले रमज़ान कितने रोज़े रखे थे। मैंने तो 13 रोज़े रखे थे आई थिंक, या 12, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तब रोज़े रखने की ट्राई करता था, सुबह उठा नहीं जाता था या मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, तब मैं रखता था तो पूरे फुल ट्राई करता था। पर इस दफ़ा इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखूँगा मैं, जितने भी 30 डेज़ होते हैं इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखूँगा। आप सब दुआ कीजिएगा कि मैं पूरे रोज़े रख सकूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकूँ, तरावियाँ पढ़ सकूँ। मुझे तरावियों का बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं तरावियाँ पढ़ने जाऊँ और सारी पढ़ के आऊँ, और मैं तरावियाँ पढ़ता था, मुझे बहुत शौक होता है। जब भी रोज़ा रखना, मैंने कहते हैं कि तरावियाँ पढ़ लोगे तो सुबह रोज़ा, अपने फ्रेंड्स के साथ तरावियाँ पढ़ने जाता होता था तो बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय करना तरावियाँ। कभी कभी हमने हाफ़ पढ़ के, तो हाफ़ में हमने कुछ बर्गर वगैरह या कोई शॉर्मा वगैरह खाने चल जाना, फिर वापसी पे हमने घर आना तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, बातें करते रहना। कभी कभी ऐसा होता था कि हम सुबह सोते थे रोज़ा रखने के बाद, पूरी रात हम जागते रहते थे, बातें करते रहते थे, हमने टेबल टेनिस खेलते रहना, बैट बॉल खेलते रहना, तो यही हमारा बस होता था। तो आप सब बताएँ आप सब कैसे रोज़े रखेंगे और कितने रखेंगे। आप सबको अल्लाह पाक रोज़े सारे रखने की तौफीक अता फरमाए। तो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये तो वीडियो मेरी नहीं थी, बस मैंने आपको चंद बातें की हैं। इंशाल्लाह मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।